दोस्तों आज मैं आप सभी से साफ साफ पूछ रहा हूं, आपको YouTube पे काम करना है या नहीं। दोस्तों मैंने अपने YouTube चैनल पर आप सभी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार चार पांच पांच बार बताया कि ऐसा YouTube चैनल बना लो, ऐसा YouTube चैनल बना लो, बहुत ही जल्दी से ग्रो हो रहा है। लेकिन नहीं, आपने तो मेरी बातों को मजाक में लेना है कि ये तो छोटा YouTube चैनल है, क्या ही अपनी वीडियोस में सही बताएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने मेरी वीडियोस को मजाक में लिया तो आज फिर से आपके सामने प्रूफ दिखाऊंगा। जैसे आप बोलते हो ना कि चलिए ये तो कुछ ऐसे ही बता रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आप सभी के लिए दोबारा से प्रूफ लेके आया हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ऐसा YouTube चैनल शेयर करूंगा जिस पर आप विदाउट फेस काम करके काम कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आज भी आपने मजाक में लिया तो आप कभी भी YouTube से पैसे नहीं कमा पाओगे। क्यों नहीं कमा पाओगे? क्योंकि आपको सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करना है YouTube पे। सिर्फ आप आते हो YouTube पे अपना टाइम वेस्ट करने। जिसको काम करना होता है ना, जिसको काम करना होता है, जिसको पैसे कमाने का यहां पर जनून होता है कि मेरे को अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना है, वो ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करता। चाहे वो छोटा यूट्यूबर हो, चाहे वो बड़ा यूट्यूबर हो, जिसकी भी वो वीडियो देखेगा ना, बिल्कुल ध्यान से समझेगा कि ये क्या समझा रहा है। लेकिन आप लेते हो वीडियो को स्किप कर करके मजाक में, यही आपका करियर डुबा देगा, यही आपका करियर डुबा देगा। जहां आपको फालतू की चीजें देखने को मिल जाए ना, उनको बिना स्किप करे आप देखोगे भाई साहब, उनको बिना स्किप करे ऐसे ध्यान से देखोगे जैसे यही वीडियो आपका करियर बनाएगी, जैसे यही आपको पैसे कमाने का तरीका समझाएगी। लेकिन जहां पर आपको कुछ सीखने को मिले ना, जहां पर आपको कुछ समझाया जाता है कि यहां से आपका करियर बनेगा, यहां से आप अपनी लाइफ के लिए कुछ कर सकते हो, उसको आप स्किप करके देखोगे। देखो भाई, देखो हमारा कुछ नहीं जाता, जितने भी बड़े यूट्यूबर से देखो, तुम ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम ही अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो यूट्यूब पे, तभी आप यूट्यूब पे ग्रो नहीं हो पाते। और आज फिर से आपको इस वीडियो में प्रूफ दिखाऊंगा मेरे भाई कि ऐसा यूट्यूब चैनल बना लेना। और ऐसा यूट्यूब चैनल अगर आपने बना लिया तो आपका यूट्यूब चैनल एक महीने में ग्रो हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तरीके को समझो तो सही, उसके लिए तरीके को सीखो कि कैसे काम करना है, तभी तो कुछ कमा पाओगे। तो चलिए चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। अगर वीडियोस पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। चलिए यहां पर आप मेरी मोबाइल स्क्रीन को देख सकते हो, यहां पर मैंने एक यूट्यूब चैनल को ओपन किया, बुधा स्टोरियन करके यूट्यूब चैनल है। और इसने भी तो रेगुलर काम किया, इसने भी कुछ सोच समझ के इस यूट्यूब चैनल को बना के काम किया। और आज देखिए 39 वीडियोस अपलोड करके अपने YouTube चैनल पर 17,000 से भी ऊपर सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए। कैसे भाई साहब, कैसे? इसने सीरियस होके YouTube पे काम किया, इसने ये समझ के काम किया कि चलिए सक्सेस मिलेगी, मैं रेगुलर काम करूंगा। फिर देखो 39 वीडियो अपलोड करी, वो 39 वीडियोस अपलोड करके 17,000 से भी ऊपर सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए, साथ ही साथ चैनल मोनेटाइज भी कर लिया। अगर आपकी तरह टाइम वेस्ट करता ना ये भाई, अगर आपकी तरह ऐसे ही यूट्यूब पे फालतू की वीडियो देखता ना, ऐसे टाइम वेस्ट करता ना, तो आज ये भी इस तरह से अपने चैनल को ग्रो नहीं कर पाता, सिर्फ 39 वीडियोस अपलोड करके, ना ही अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर पाता, अगर आप सभी लोगों की तरह ये मजाक में लेता। लेकिन इसने सीरियस लिया भाई साहब, ये भी आपकी तरह एक इंसान है, ये भी आपकी तरह एक इंसान है, भगवान ने इसको भी दिमाग दिया, आपको भी दिमाग दिया, लेकिन आप उसको गलत जगह यूज करते हैं, इस भाई ने सही जगह यूज किया, आज अपने चैनल को मोनेटाइज कर लिया। तो चलिए यहां पर काम किस तरीके से किया गया विदाउट फेस, ये आपके सामने, आपकी आंखों के सामने यहां पर प्रूफ दिखा रहा हूं। लेकिन आप फिर भी मजाक में लेते हो, फिर भी सोचते हो कि गलत तरीका समझाएगा। नहीं भाई, यहां पर जो समझा रहा हूं सही तरीके से समझा रहा हूं, बाकी जिसको काम करना है करो, जिसको नहीं करना वो अपना टाइम बर्बाद करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर आप देखो चैनल को, उसके बाद मैं आपको व्यूज दिखाऊं। अभी एक दिन पहले वीडियो डाली, 1.1 के व्यूज आ गए, 5 दिन पहले वीडियो डाली, 13,000 इस वीडियो पे व्यूज आ गए, उसके बाद 8 दिन पहले वीडियो डाली, 42,000, उसके बाद 11 दिन पहले वीडियो डाली,
173,000 व्यूज आ गए, यानी कि वीडियोस पे व्यूज देखिए कितने जबरदस्त वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक ऐसा प्रूफ दिखाऊंगा जिसको देख के आप हैरान हो जाओगे। अब देखो अपने YouTube चैनल पर पहले क्या वीडियोस ये अपलोड करता था, यहां पर जीके की वीडियोस, जो क्वेश्चन वाली वीडियोस होती है उनको अपलोड करता था, लेकिन उस पे व्यूज नहीं आए। फिर इसने दिमाग लगाया कि मैं चलिए इस पे काम करके देखता हूं, और उस पे देखिए यहां पर 6.6K, 4.2K, 3,95,000, 1,18,000, 12,000, 3,17,000, यानी कि इस कंटेंट पे इसको ग्रोथ मिल गई और इसकी भाई की बल्ले बल्ले हो गई। अब दोस्तों मैं आपको इसकी वीडियोस दिखाता हूं, जैसे कि ये देखो, और यहां पर आप ये भी देखिए कि अच्छे खासे यहां पर एड भी आ रहे हैं। बहुत सारे भाई ये भी कहते हैं कि इन वीडियोस पे एड नहीं आती और ये यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होते। यहां पर देखो, ये यहां पर आप सभी को प्रूफ दिखाता हूं, ये देख सकते हो सुपर थैंक्स का बटन इनेबल है, यहां पर भाई का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है। और जो बोलते हैं ना चैनल मोनेटाइज नहीं होता, क्या ये भाई यूट्यूब का कुछ रिश्तेदार रखता है, यूट्यूब का कुछ यहां पर जो रिश्तेदार है जो इसका ही चैनल मोनेटाइज किया? ये भी तो आपकी तरह एक इंसान है, इसका भी तो चैनल मोनेटाइज है। यहां पर आपसे इसका इससे बड़ा और प्रूफ क्या दिखाऊं, क्या दिखाऊं आपको? यहां पर आप देखिए अब वीडियोस देखो, पीछे फोटोज का यूज किया गया और यहाँ पर स्टोरी जो ली गई है उसको पढ़ पढ़ के बोला गया, समझ रहे हो बात को, उसको जो जो पढ़ के बोला गया। अब ये स्टोरी कहाँ से मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, ऐसी फोटो कहाँ से मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। यहाँ पर देखो इस तरीके से काम किया गया, देख सकते हो। अब दोस्तों यहां पर आपने प्रूफ देख लिया, सब कुछ देख लिया, अब आप चलते हैं गूगल क्रोम में, आप भी गूगल क्रोम में उसके बाद आ जाना। मैं गूगल क्रोम में चलता हूं, यहां पर आपको दिखाता हूं कहां कहां से आपको मिलेगा। तो यहां पर दोस्तों मैंने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया, सबसे पहले हम सर्च करेंगे बुद्धा हिंदी स्टोरी। यहां पर मैंने सर्च किया बुद्धा हिंदी स्टोरी और देख सकते हो यहां पर काफी सारी आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी और इन बुद्धा स्टोरी आपको मिल जाएगी। तो यहां से आपको स्टोरी को कॉपी करना है, कॉपी कैसे करना है, इसको दबा के रखो, आपके सामने जितना भी आपको स्टोरी लेना है उसको सिलेक्ट करो और यहां पर आपको बटन मिलेगा ऊपर की तरफ कॉपी का, और आपने कॉपी कर लेना है और इसी को आपको यहां पर एडिट करना है, बोल बोल के आपको वॉइस ओवर करनी है। तो चलिए यहां पर आपने स्टोरी लेना सीख लिया, अब यहां पर आप फोटो लोगे, बुद्धा आपको लिखनी है फोटोज, यहां पर आप लिखोगे बुद्धा फोटोज, इमेज पे जाओगे और देख सकते हो जैसी आपको फोटोज लेनी है, स्टोरी से रिलेटेड फोटो लेनी है, जैसे स्टोरी में कुछ भी बोला जा रहा है तो स्टोरी से रिलेटेड आपको यहां पर गूगल क्रोम में लिखना है, उससे मिलती जुलती आपको फोटोज मिल जाएगी। तो फोटोज आपको कैसे डाउनलोड करनी है तो चलिए वो भी मैं आपको सिखाता हूं। यहां पर मान लीजिए ये फोटो हमें चाहिए, इस फोटो पे मैं क्लिक करूंगा और सबसे मेन बात आपको बताता हूं, आपको वो फोटो कभी भी डाउनलोड नहीं करनी जिसपे इस तरह का लोगो हो, कोई भी लोगो लगाओ वो फोटो आपको नहीं लेनी। तो मैं बैक आ जाता हूं, मैं ये फोटो डाउनलोड करता हूं, जैसे मैंने इस फोटो पे क्लिक किया, इस फोटो पे मैं दबा के रखूंगा, डाउनलोड इमेज करूंगा, मेरी फोटो इमेज डाउनलोड हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप यहां पर काफी सारी फोटोज डाउनलोड कर लेना, जैसे इस फोटो पे फिर से दबा के रखूंगा, डाउनलोड इमेज करूंगा, डाउनलोड इमेज मेरी हो गई। तो इसी तरीके से बारी बारी सर आप काफी सारी फोटोज डाउनलोड कर लेना, उसके बाद आपको आ जाना है कहां पर, काइन मास्टर में। तो चलिए यहां पर मैं काइन मास्टर में आ जाता हूं जल्दी से, उसके बाद आपको एडिटिंग भी सिखा देता हूं, कैसे आपको एडिटिंग करनी है वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। यहां पर मैंने काइन मास्टर को ओपन कर लिया, आप भी कर लेना, अगर कोई दूसरा यहां पर एडिटर यूज करते हो उसमें भी सेम इसी तरीके से आपको काम करना है जैसे मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। तो यहां पर काइन मास्टर को ओपन होने दो, फिर आपको सिखाता हूं कि कैसे कैसे आपको काम करना है। ओके बटन पे क्लिक करना है, यहां पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, 16.9 पे क्लिक करके क्रिएट प्रोजेक्ट क्लिक करके प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। अब दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपने जो फोटोज डाउनलोड करी वो यहां पर आप लेके आओगे, मीडिया में जाओगे, डाउनलोड में जाओगे, यहां से आप फोटो इस तरीके से ले आओगे। जैसे मान लीजिए मैं एक मिनट की वीडियो बना रहा हूं
तो 1 मिनट तक इसका साइज आपको इंक्रीज कर लेना है इस तरीके से, जैसे मैं आपको वीडियो में सिखा रहा हूं, समझ रहे हो। इसी तरीके से आपको 1 मिनट का साइज इंक्रीज कर लेना है। अब दोस्तों जो आप स्टोरी लोगे वो स्टोरी आपको क्या करना है, गूगल क्रोम में आपको आना है और यहां पर आपको वो स्टोरी कॉपी कर लेनी है। जैसे कि मान लीजिए यहां से मैं वो स्टोरी कॉपी कर लेता हूं, यहां पर मैं बैक कर लेता हूं और स्टोरी को ओपन कर लेता हूं। तो यहां से मैं स्टोरी को कॉपी कर लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए मेरे को इतना पार्ट चाहिए तो मैं इतना पार्ट सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूं। फिर आता हूं काइन मास्टर में। काइन मास्टर में आने के बाद आपको क्या करना है वो ध्यान से देखना, कैसे आपको स्टोरी यहां पर मेंशन करनी है। तो यहां पर जैसे काइन मास्टर आपका ओपन हो जाए, थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा ये काइन मास्टर स्लो चलता है। अब यहां पर लेयर बटन पे आपको क्लिक करना है, टेक्स्ट पे आपको जाना है और उसको यहां पर इस तरीके से पेस्ट कर देना है। अब इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, जैसे मान लीजिए इसको मेरे को नीचे करना है, ये ब्लू कलर का ये नीचे बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है ताकि आपकी स्टोरी पूरी यहां पर दिखे। ओके बटन पे क्लिक कर लेता हूं, अब मेरी स्टोरी यहां पर आ चुकी है। अब दोस्तों क्या करना है आपको, बारी बारी सरी से इसी तरह से वहां से कॉपी करना है और यहां पर पेस्ट करना है। जैसे आप पेस्ट कर सकते हो, यहां पर इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो तो यहां से आप बैकग्राउंड पे जाओगे, बैकग्राउंड कलर इनेबल करोगे और यहां पर आप इसका ब्लैक रेड जो भी करना चाहते हो वो कलर कर सकते हो, जैसे मैंने ब्लैक कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से स्टोरी कॉपी पेस्ट करनी है और यहां पर वॉइस ओवर करनी है। कैसे, रिकॉर्ड बटन पे आपको जाना है, रिकॉर्ड बटन पे जाके ओके बटन पे क्लिक करना है। अब आपके सामने जो जो यहां पर लिखा है, जैसे एक बार भगवान बुद्ध जेतवन व्यवहार में रह रहे थे, तो वही सेम देख देख के आपको वॉइस ओवर करनी है। स्टार्ट पे करूंगा, एक बार भगवान बुद्ध जेतवन विहार में रह रहे थे, इस तरीके से आपको वॉइस ओवर कर लेनी है। तो इसी तरीके से आप अपनी वीडियोस बना के यूट्यूब पे काम करिए, अच्छी ग्रोथ आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी वीडियो के साथ, तब तक ले दोस्तों जय हिंद जय भारत।